SGRR एजुकेशन मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार नई बुलंदियां छू रहा है। यहां से शिक्षा पा रहे अनेक छात्र छात्राएं समय समय पर अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर देश और प्रदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं प्रतिभाओं में से एक श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज की पूर्व छात्रा दिव्या नेगी और आकृति ने देश के संसद भवन के केंद्रीय हॉल में एक वक्ता के रूप में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। ये राज्य के लिए गौरव और सम्मान की बात है कि उत्तराखंड और SGRR की बेटियों ने अपने ओजस्वी उद्बोधनों से राज्य की कला, संस्कृति और सांस्कृतिक महत्व का परचम राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है। दिव्या नेगी और आकृति ने श्री दरबार साहिब पहुंचकर श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज से आशीर्वाद लिया और श्री झंडा साहिब पर मत्था टेका। श्री दरबार साहिब में श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने सम्मान स्वरूप दिव्या नेगी को 51,000 रूपये की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह और आकृति को 21,000 रूपये की धनराशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। SGRR ग्रुप और SGRR ग्रुप के संस्थान शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों में एक जाना पहचाना नाम है। अभी जैसा कि आपने अपने सवाल में पूछा, दिव्या नेगी और आकृति जो कि उत्तराखंड और SGRR की बेटी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पर राज्य की कला और संस्कृति की एक नई मिसाल कायम की, देश के संसद भवन में जिस प्रकार से दिव्या नेगी और आकृति ने उत्तराखंड की कला संस्कृति को उद्बोधित किया है अपने संबोधन में, ये निश्चित रूप से SGRR परिवार और उत्तराखंड के लिए गर्व और सम्मान की बात है। कल ही श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन ग्रुप के चेयरमैन श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने उत्तराखंड और SGRR की इन दोनों बेटियों को दरबार साहब में सम्मानित किया। दिव्या नेगी जी को 51,000 रुपये की नगद धनराशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर उनका मान बढ़ाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि SGRR एजुकेशन मिशन से जुड़े संस्थान बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ वर्तमान प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप दिव्या नेगी जी की स्पीच को सुने जो उन्होंने संसद भवन में दी, बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स के बच्चों की भी अगर तुलना की जाए तो हमारे स्कूल के संस्थान ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस प्रकार SGRR के संस्थानों के बच्चों को तैयार किया जाता है, जो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। दिव्या नेगी ने श्री महाराज जी को देश के संसद भवन के केंद्रीय हॉल से जुड़े संस्मरण और अनुभव भी साझा किए। श्री महाराज जी ने दिव्या नेगी का उत्साहवर्धन करते हुए श्री दरबार साहिब की ओर से उन्हें सम्मानित किया। तो कल मुझे मेरे कॉलेज में, जो हमारी श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज है, वहाँ पर इन्वाइट करा गया। एक फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी गई और वहाँ से फिर मुझे जो मेरे प्रोफेसर्स हैं उनकी थ्रू मुझे महन जी और महाराज जी से मुलाकात हुई। महन जी बहुत अप्रिशिएटिव थे जो मैंने स्पीच दिया, और उन्होंने वो स्पीच सुना भी है, जो मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की बात है कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से वो सुना और उनको उसकी हर एक डिटेल याद थी। और उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया 51,000 रुपये की राशि देकर, और प्रोत्साहन दिया कि आगे मैं अपनी ज़िंदगी में, करियर में मुझे जो भी सपोर्ट चाहिए होगा उसके लिए SGRR फैमिली हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो मेरा 9th-10th भी श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल तालाब ब्रांच से हुआ है। मेरा 11th-12th श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल रेसकोर्स ब्रांच से हुआ है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में SGRR पीजी कॉलेज से किया है। तो मुझे ये लगता है कि मेरी पूरे इस करियर में, मेरी पूरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करा है, जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला डिबेट श्री गुरु राम राय स्कूल में दिया, अपना पहला स्पीच नेशनल लेवल का वो मैंने उस कॉलेज से दिया। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल जो श्री गुरु राम राय फैमिली ने मेरी लाइफ में प्ले करा, आई थिंक वो बहुत इरिप्लेसिबल है। और शायद ही मैं कहीं और जाकर जिस मुकाम पर मैं आज हूँ और जो आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है वो मुझे मिल पाता। जो मैं मैसेज देना चाहूँगी वो मैं इतना ही देना चाहूँगी कि जो हमारे युवा, जो हमारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो खुद को किसी से कम ना समझें और अपने टीचर्स को अपना मेंटर और एक बीकन की तरह ज़रूर देखें, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। गौरतलब है कि SGRR की पूर्व छात्रा दिव्या नेगी और आकृति को संसद भवन में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व करने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं में से दिव्या नेगी को प्रथम और आकृति को द्वितीय स्थान मिला था।
इसी आधार पर दिव्या और आकृति ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज परिवार की ओर से भी कॉलेज परिसर में दिव्या नेगी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मेजर प्रदीप सिंह प्रचार्य पीजी कॉलेज, डॉक्टर हर्षवर्धन पंत, डॉक्टर हरीश चंद्र जोशी, डॉक्टर संदीप नेगी, डॉक्टर मधु डी सिंह पूर्व प्रचार्य एसजीआरआर पीजी कॉलेज, डॉक्टर अनुराधा वर्मा आदि मौजूद रहे। भानु प्रकाश नेगी, हिमबल प्रदेश न्यूज, देहरादून। And we all need to collectively come together to protect it, as the decisions of today will have a profound impact on the world of tomorrow, and that